आता हूँ, जब धरती माँ बुलाती है सब छोड़कर आता हूँ। दिग्गज फिल्म निर्माता एसएस राजमौली ने अपने फैंस को चौंका दिया। उन्होंने अपनी नई फिल्म की घोषणा करते हुए फैंस को चौंका दिया। फिल्म का नाम है मेरा भारत महान। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि एसएस राजमौली की पिछली फिल्म RRR थी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और अब एसएस राजमौली फिल्म मेरा भारत महान बना रहे हैं। इस फिल्म की घोषणा के बाद से ही फैंस खुशी मना रहे हैं। इस फिल्म की घोषणा एसएस राजमौली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इस फिल्म में एक्टर के तौर पर सनी देओल हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल इस समय अपनी फिल्म HDGM की शूटिंग कर रहे हैं और इस फिल्म का निर्देशन गोपीचंद मालनी कर रहे हैं, और ये अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सनी देओल फिल्म HDGM की शूटिंग खत्म करने के बाद फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग शुरू कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल के पास फिल्म Border 2 भी है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि सनी देओल मेरा भारत महान और Border 2 की शूटिंग एक साथ शुरू करेंगे। फिल्म Border 2 की बात करें तो ये फिल्म 2026 में रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके अलावा सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इस फिल्म को भी जनवरी में रिलीज किया जाने वाला है। इसके अलावा सनी देओल के पास फिल्म सफर भी है, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है। इसके बाद सनी देओल के पास अपने 2, सूर्य बाप, रामायण जन्मभूमि, कई सारी बड़ी फिल्में हैं जो कि आने वाले सालों में रिलीज की जाएगी। फिल्म बाप की बात करें तो इस फिल्म की आधी शूटिंग पूरी हो चुकी है, और लगभग आधी इस फिल्म की शूटिंग अभी रहती है, क्योंकि गदर 2 की अपार सफलता के बाद सनी देओल के पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे, और सनी देओल ने उन सभी फिल्मों को साइन भी कर लिया, और इसी वजह से सभी फिल्मों में देरी हो रही है। भारत की सबसे बड़ी युद्ध फिल्म #Border 2। सनी देओल ने यह भी खुलासा किया कि फिल्म निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, JP दत्ता और निधि दत्ता करेंगे। दोस्तों आप बॉर्डर 2 फिल्म के लिए कितना उत्साहित हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। साथ ही दोस्तों बॉलीवुड और बॉलीवुड की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।